चिकन टिक्का बनाने के लिए उसको मैरिनेट करना पड़ेगी। मैं ये भी दिखाऊंगी कैसे क्या क्या डालूंगी मैं, क्योंकि इसकी पूरी बर्फ ने पिघली हुई है, फिर भी काट के मैरिनेट करके तो रखूंगी। सारे में बर्फ जमी हुई है गाइस, कितना सारा बर्फ की पानी गिरी हुई भी निकली हुई है, गिरी हुई कह रही थी सॉरी, सारे में बर्फ है पूरी। किसी को मारूंगी ना इससे पूरी रोपड़ी। मैंने इधर प्याज टमाटर काट के रखे, इधर चिकन काटना है मुझे, लेकिन काटी नहीं है मैंने अभी, वो तो उस टाइम काट लूँगा। मैंने चावल उबालने रखे हैं मैंने इधर, और ये मैंने पैन रख रखे, गैस भी ऑन करके रखे धीमी आंच में। और मैंने इधर बनाई है एक सब्जी, बनाई है इधर, बनाई है आलू और शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च बनाई है। और चौमिन बनी थी, चौमिन बनी थी उस टाइम, बनाने टाइम थोड़ी सब जल्दी में बना रही थी ना तो बना नहीं पाई, तो ऐसे बना के दिखा दिया आप लोग को। और मैं स्टार्ट करती हूँ इसमें, मैं सबसे पहले इसमें ऑयल डालूँगी, ऑयल डालूँगी ये साबुत जीरा और साबुत मसाला जो रखी है इधर, लौंग और इलायची सब रखी है ना, तो दालचीनी वगैरह वो सब डालूँगी। और फिर इसमें सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी, उसके बाद जीरा डालूँगी। मैंने सब मतलब ऐसे निकाल दिया है, इसमें देख सकते हो गाइस क्या क्या है, तेल गर्म हो गई तो पहले सबसे पहले मैं थोड़ी सी जीरा डालूंगी, तेल गर्म हो चुकी है, मैं साबुत मसाला डाल दूंगी इसमें, मसाला मतलब साबुत वाले डाल दिया मैंने। इसको थोड़ी सी मतलब हल्का ब्राउन ब्राउन हो जाए ना तो उसमें मैं प्याज डालूंगी, ये तेज पत्ता की कलर थोड़ी सी चेंज हो गई, ब्राउन सी हो गई, तो मैंने उसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज बिरयानी के लिए मैं तो लंबाई काटती हूँ, बारीक भी डालती थी मैं पहले, लेकिन अब बारीक नहीं डालती हूँ, लंबाई काट के डालती हूँ। और मैं इसको धीमी आँच पे रख दूँगी, थोड़ी सी पिंक पिंक हो जाएंगे, तो मैं उसको उसे टमाटर डाल दूँगी, थोड़ी सी पकने के लिए रख दिया। तब तक चावल भी मेरा इधर बन रहा है, बस होने वाला है ये भी। और मैं अभी चिकन को काटूँगी, हमारी स्टील की प्लेट इधर रहता है गाइस, हमारी प्लेट वाली ड्रॉर। और मैं अभी चिकन को काटूंगी, मैं इसमें मैंने फ्रीज़र में रखी थी ना तो सारे में बर्फ़ जमी, इसमें तो बर्फ़ जमी हुई है अभी, पिघली नहीं है, लेकिन इस सब में थोड़ी थोड़ी पिघल गई है, लेकिन इतना नहीं पिघली है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने इसको ज़बरदस्ती निकाल के इसको काटूँगी। और तब तक मेरे प्याज भी हल्का पिंक पिंक हो जाएगी, तो मैं इसे एक बार हिला दूँगी, उसके बाद चिकन काटने लग जाऊँगी। चिकन काटते काटते नहीं तो मुझे हिला पाएंगे मैं। इतना नहीं हुआ लेकिन थोड़ी सी पकी नहीं है, ये प्याज की कलर हो चुकी है हल्की पिंक पिंक, तो मैं उसमें अभी टमाटर डालूँगी, टमाटर काट के रखी हुई पहले मैं तैयार करके रखती हूँ, इस टाइम में मेरे से जल्दी जल्दी हो ही नहीं पाता, एक ना एक चीज़ भूल जाती हूँ, इसलिए मैं पहले सबसे तैयार करके रखती हूँ, उसके बाद बनाना रखती हूँ।
तो गाइस मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊंगा और मुझे पड़ेगी डांट, इसलिए मैं सब कुछ तैयार कर लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं बनाती हूँ कुछ भी, मतलब कुछ भी बनाती हूँ, सबसे पहले तैयारी करती हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, टमाटर डाल दिया मैंने इसमें, मेरे नमक डाल भी खा लिया गाइस, डीमेंट ख़त्म हो गए, इसमें डालना भूल गई हूँ, मैं इसमें नमक डाल के रख दूँगी। इसको हिलाऊंगी नहीं ज़्यादा, बस ऐसे ही रख दूँगी, इसको ढक के रख दूँगी, तब तक थोड़ा पक जाएगी, और मैं जब तक ये पकेगी तब तक मैं करूँगी चिकन कट। मैंने इधर चिकन भी काट दिया है, मैं तो इतनी बड़ी बढ़िया करती हूँ चिकन, आप लोग कितनी बड़ी बढ़िया काटती हूँ मुझे नहीं पता, कमेंट में ज़रूर बताना कैसे बनाते हो आप लोग। लेकिन टमाटर भी ऐसे पक चुके हैं, इसमें अभी मसाला डाल दूँगी, जो जो मसाला मैं डालती हूँ बता दूँगी। ऐसे पक चुका है टमाटर, इसमें मैं डालूंगी हल्का सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं इतना ही डालूंगी गरम मसाला, और इसमें डालूंगी धनिया पाउडर इतना डालूंगी गरम मसाले से हल्का थोड़ा सा ज़्यादा, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा से डालूंगी, लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा तेज़ खाते नहीं है कोई भी, हल्का सा ही डालूँगी ज़रा से ताकि लगे ना मुँह पे। इसमें और हल्दी डालूँगी, हल्दी जैसे कि चावल भी डालेगी ना थोड़ी सब में कलर आ जाए हल्दी के, तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालूँगी सबसे। करूँगी मैं इसमें और एक चीज़ डालेगी जीरा, जीरा पाउडर, साबुत जीरा तो डाल चुकी थी, जीरा पाउडर डाली नहीं है, तो इसमें डलेगी जीरा पाउडर, और यहाँ पे रहता है जीरा पाउडर, यहाँ पे वैसे सारे दाल के डब्बे वगैरह पड़े रहते हैं, और ये है जीरा पाउडर, और ये जीरा पाउडर, ये भी इतना ही डालूंगी जितना गरम मसाला धनिया पाउडर डाली उतना, और मैं इसको मिक्स करूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डालूंगी मैं चिकन, चिकन जो ये कट के रखी है यहाँ पे, और इसको डालूंगी, मेरे चावल भी बन गए, मेरे नहीं चावल बन चुके हैं, और नमक और थोड़ी सी डालूंगी, कम लग रहा है तो मैंने इसमें, मैं तो एक्चुअली चिकन वगैरह खाती नहीं हूँ ना, तो मैं उससे पहले थोड़ी सी चेक कर लेती हूँ, ताकि बाद में तो चेक नहीं कर पाती हूँ क्योंकि चिकन डल जाती है, चिकन डालने से पहले मसाला जितना कम ज़्यादा हो उसके बाद जिसको खानी हो उसको चेक करवाऊँगी। हो गई मिक्स, इसमें डालूंगी मैं चिकन, ये है चिकन आधी किलो चिकन, आधी किलो से तो ज़्यादा है पता नहीं, सारे डालूंगी ना मैं, मारे तो पहले इसमें मैं
थोड़ी मिक्स कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे इतनी बड़े बड़े चिकन पीसेस किया है, इतनी बड़े बड़े मतलब इतना अच्छा से नहीं किया, जैसे भी काट दिया है मैंने, इतना बड़ा बड़ा लिया। और इसमें मैंने डाला है तीखी मिर्च, और ये नमक, और ये अदरक लहसुन के पेस्ट, ये वाला डालते हैं आप, अदरक लहसुन के पेस्ट और नमक और क्या कहते हैं तीखी मिर्च और चिकन। आप इसमें काली मिर्च और बाकी मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन हम लोग ये नहीं डालते, उसको पूरी मिक्स करोते होंगे। यहाँ पे हो गई चिकन पक गई है, तो मैं इसमें डालूँगी, चावल मिक्स करूँगी, बाकी सब तो पहले मैंने डाल चुकी है, मिक्स कर चुकी हूँ। अपने इसमें डालूँगी ये जो राइस रखी है यहाँ पे चावल, तो उसको डालूँ। अभी भी इसमें पानी नहीं छुड़ी हुई है, इसमें पानी है, लेकिन सारा चावल तो डालूँगी नहीं, क्योंकि एक कढ़ाई नहीं चाहिए, कौन खाएगी, एक ही जाने खाने के लिए है। इसमें पूरी खलेरी पलेरी कड़छी उड़ाई कड़छी है, ये जो सब्जी वगैरह छिलते हैं ना, वो पिलर, ये सब सारा बिखरी हुई है, कल सारा ठीक करूँगी मैं इसको। मैं इसमें से थोड़ा सा चावल लेके इसमें फैलाते फैलाते डाल दूँगा, आराम में चली कर गई। सारे चावल डालूंगी ना तो चिकन के हिसाब से कम पड़ जाएगी, तीन नंबर चावल है। पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ, तो डालना पड़ेगी तो और डालूंगी, नहीं डालना पड़ेगी तो नहीं डालूंगी। गाइस मेरे ख्याल से तो और डालने की ज़रूरत तो नहीं लग रही, लेकिन और तो शायद से नहीं डालूंगी चिकन, चिकन सॉरी चावल मिक्स किया तो इसमें थोड़ी ना पानी पानी है, तो इसको मैं थोड़ी सी सुखाऊंगी और ऐसे ये बन चुके हैं। बाद में कम ज़्यादा कुछ होगा तो ऊपर से डाल के मिक्स कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी तैयार नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब इसके पानी है, तो इसको थोड़ी सी सुखाऊंगी, गीला गीला है ना, यानी क्या कि गिला गिला नहीं रहना चाहिए, मतलब हम यहाँ पर ना गिला गिला थोड़ी बनाते, क्योंकि मतलब यहाँ के भैया ना थोड़ी गिला ही खाते, तो मैं इसको ज़्यादा भी नहीं सुखाऊँगी और ज़्यादा गिला भी नहीं रखूँगी, थोड़ी साफ मतलब ताकि खाने में भी ज़्यादा ड्राई ना लगे और गिला भी ना लगे, मतलब मीडियम साइज़ के लगे, तो इसको रखूँगी। चावल ना अभी वाले में इसलिए टूट गया, जब पहले नहीं बना आती थी ना मुझे बिरयानी, ऐसे चिकन वगैरह बना ऐसे बिरयानी बना दी थी गाइस, ये हलवा ही बन जाते थे उसके, अब थोड़ी सीख गई। तो मैं ये तीन बारी की बातें बना रही हूँ, चार बारी की बिरयानी है मेरा, मिला चार बारी बनाई है, तो गाइस उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा काम था, मैं आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पाती थी, लेकिन आज आराम से बना रही हूँ, तो सोचा चलो बना ही देती हूँ। अभी इतना ही रखेंगे क्योंकि खाने के टाइम भी इसी में गर्म करना पड़ेगा ना, इसके ना माइक्रोवेव में गर्म पाएगी मतलब फिर भी सूख जाएगा ना, अभी गैस में रख रहे तो सूख जाएगा अपना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए धीमे आँच पे छोड़ दूँगी बिना ढके। और जो ये चावल है पूरी देर गैस पूरी किचन गंदा, जितने चूल्हा है ना वहाँ से यहाँ तक पूरी गंदी, और इधर पूरी साफ, देखा मैं कितना गंदा काम करती हूँ। और ये है इसमें चावल पड़ी, इधर सिर्फ कांच की है, ये भी कांच के बॉल है, इसके नीचे जो ढक्कन लिए ये भी कांच के बॉल, और ये हमारे दाल वगैरह नापते हैं ना वो है, ये सबसे बड़ा है, ये एक नंबर है, दो नंबर है,
और 3 नंबर भी है।